था दोस्तों, नीले सियार की कहानी। दोस्तों कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है, एक ना एक दिन पोल खुली जाती है। किसी को भी ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए चालबाजी छोड़कर सच्चाई को धारण करें। सच्चाई हमेशा के लिए होती है, सच ही अंतिम सत्य है। एक बार की बात है, जंगल में खूब तेज हवा चल रही थी। उस हवा के चलने से सियार एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी पेड़ की एक शाखा टूटकर सियार पर आ गई और सियार को गहरी चोट लग गई। लेकिन चोट के बावजूद भी वो अपनी मांद की ओर भागने में कामयाब रहा। उस चोट का उस पर काफी दिनों तक असर रहा, इसलिए वो शिकार के लिए नहीं जा सका। खाना न मिलने के कारण सियार प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन उसे तेज भूख लगी थी, तभी अचानक उसे एक हिरन दिखाई थी। वो हिरन के पीछे दौड़ा, लेकिन कमजोर होने के कारण जल्दी थक गया और हिरन को पकड़ नहीं पाया। इससे उसे खाना नहीं मिला। निराश होकर सियार जंगल से गांव की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई ना कोई मुर्गी या छोटा मोटा कोई खाने को मिल जाएगा, जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा लेगा। गांव में सियार शिकार ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर कुत्तों के एक झुंड पर पड़ी जो उसी की तरफ आ रहे थे। सियार को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो बहुत कमजोर था और उन कुत्तों से लड़ने में सक्षम नहीं था। वो दौड़कर एक धोबी के घर में घुस गया और जिस कुंड में नील खुला हुआ था उसमें जाकर छिप गया। सियार पूरी रात उस नील वाले पानी में छिपा रहा। सुबह जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर नीला पड़ गया है। सियार बहुत चालाक था, अब उसके दिमाग में आइडिया आया। वो पास वाले जंगल में गया और उसने वहाँ पर जाकर ऐलान कर दिया कि वो भगवान का संदेश देना चाहता है, इसलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाएं। सारे जानवरों ने जब ये बात सुनी तो उस नीले सियार को देखकर सब एक जगह इकट्ठा हो गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नीला सियार कभी नहीं देखा था। इसलिए उन सब जानवरों को लगा कि ये भगवान का वास्तव में कोई दूत है। तब उस सियार ने कहा कि मुझे इस जंगल के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी भगवान ने दी है। सभी जानवर सियार की बात में आ गए और तब सियार ने आगे कहा कि इस जंगल पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए इसे इस बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर जंगल से जल्दी से यहाँ से चले जाएं। अब भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर उस जंगल को छोड़कर चले गए। अब नीला सियार उस जंगल का राजा बन गया। मोर उसे आंखों से हवा देते, बंदर उसके पैर दबाते। सियार का मन अगर किसी जानवर को खाने का करता तो उसकी बलि मांग लेता। अब सियार कहीं जाता नहीं था, उसके शाही ठाट शुरू हो गए थे। सारे बचे कुचे जानवर उसकी सेवा में लग गए थे। एक दिन चांदनी रात में उस सियार को प्यास लगी। जब वो मांद से बाहर आया तो उसे बाहर सियार की आवाज आई और सियार अपने आप को रोक न सका और उसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। उसका बोलना सुनकर आसपास के जानवर जग गए और वहां इकट्ठे हो गए। जब उसकी असली आवाज उन्होंने सुनी तो सब वो समझ गए कि ये सियार उनका बेवकूफ बना रहा था। अब नीले सियार की इस तरह पोल खुल चुकी थी और पोल खुलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। दोस्तों इस कहानी को कहने का लबोलुभाव यही है कि कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है, एक ना एक दिन पोल खुली जाती है। किसी को भी ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए चालबाजी छोड़कर सच्चाई को धारण करें। सच्चाई हमेशा के लिए होती है, सच ही अंतिम सत्य है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।